पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, उसके सिलेबस के बारे में जो आपको पॉलिटेक्निक कैप्सूल के चैनल पर पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आपका स्टील स्ट्रक्चर है। स्टील स्ट्रक्चर में आपको वर्किंग ड्राइंग ऑफ ए रूफ ट्रस की आपको वर्किंग ड्राइंग है पढ़नी है इसमें, जिसमें आपको पेपर में आपको लाइन प्लान दिया रहेगा, आपको उसका डिटेल प्लान बनाना रहेगा। या आपकी ट्रस की जो ड्राइंग है, आप लोग सेकेंड ईयर में भी पढ़े होंगे, वही ड्राइंग सेम टू सेम यहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर आप किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट के बारे में ही पढ़ते हैं और यहाँ पर आपके बाकी के और भी ट्रस हैं। और यहाँ पर पेपर में आपको लाइन प्लान दिया रहेगा, उसका डिटेल प्लान बनाना है। दूसरा है आपका स्टील कनेक्शन। जो स्टील कनेक्शन है, जो ट्रस होते हैं, ट्रस का नीचे जो फाउंडेशन बनाकर बनाया जाता है, उस फाउंडेशन पे जो आपका एंगल लगाया जाता है, जो कनेक्शन किया जाता है, उसके बारे में भी पढ़ना है। बी ऑप्शन है आपका, बी है कि आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर में पहला है आपका पब्लिक बिल्डिंग, जो आप लोग सिविल सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़े होंगे बिल्डिंग ड्राइंग, वही ड्राइंग आपका यहाँ पर भी है और वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर भी आपको लाइन बिल्डिंग ड्राइंग का लाइन प्लान पेपर में दिया रहता है, जिसका आपको डिटेल प्लान बनाना रहता है। उसके अलावा कुछ बिल्डिंग में और एलिमेंट जो हैं उनकी भी ड्राइंग आपको यहाँ से अलग से पढ़नी पड़ती है। जैसे आपका पहले है आपका बीम है, बीम में आपको सिंगली और डबली बीम, दोनों बीमों के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको डाटा दिया रहेगा क्वेश्चन में। जब आपको जो आपका पेपर पैटर्न है उसके अनुसार आपको क्वेश्चन में पूरा डाटा दिया रहता है, डाटा के अनुसार आपको बीम बनानी रहती है। दूसरा है आपका कॉलम, दूसरा कॉलम है, कॉलम में भी आपको डाटा दिया रहेगा, जो आप जो भी स्केल आप मानेंगे, जिस स्केल में मानकर आप बनाना है, आप कॉलम बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा है आपका कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम की ड्राइंग पढ़नी है। उसके बाद सेकंड है आपका स्लैब वन वे और टू वे, वन वे और टू वे स्लैब आपको इसमें ड्राइंग बनाना है। वन वे और टू वे स्लैब की ड्राइंग बनाने के लिए आपको स्लैब की माप और उसका कुछ डिटेल दिया रहेगा, उस डिटेल के अनुसार आपको स्लैब बनानी है। यदि फाइनल ईयर की ड्राइंग में कोई भी डाटा नहीं दिया हुआ है या क्वेश्चन में कह रखा है कि आंकड़े आप मान लीजिए, तो आप जो आंकड़े मानेंगे वह आप आरसीटी की ड्राइंग है, तो आरसीटी के अनुसार जो आपका स्टैंडर्ड आंकड़ा है, स्टैंडर्ड डाटा है, वही मानेंगे। यदि आपकी ड्राइंग डीएसएमएस की है, तो डीएसएमएस के अनुसार जो आपका स्टैंडर्ड डाटा है वह मानकर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे। तीसरा है आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल। कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल आपको पढ़ना है, रिटेनिंग वाल आप पढ़े होंगे DRCS में, डिजाइन उसके लिए किए होंगे रिटेनिंग वाल के लिए। टी बीम भी आप पढ़े होंगे DRCS में, और जिसे आप RCT भी कहते हैं, तो यहाँ पर उसका भी ड्राइंग आपको पढ़ना है। डाटा दिया रहेगा, डाटा के अनुसार आपको ड्राइंग बनानी है। उसके बाद ओवरहेड वाटर टैंक के बारे में भी आपको यहाँ ड्राइंग बनानी है। आप अगला है आपका सी है इरीगेशन इंजीनियरिंग। इरीगेशन इंजीनियरिंग में दो चीज़ें आपको पढ़नी है। पहला है आपका चैनल, जो आप जिसे आप नहर कहते हैं, जो आपकी नहर आप इरिगेशन में पढ़े होंगे, तीन तरह की होती है, एक आंशिक भराव की नहर, दूसरा होता है आंशिक भराव और आंशिक कटान की नहर, तीसरा होता है कटान की नहर। यह तीन तरह के नहर होते हैं, जो यहाँ पर आपको ड्राइंग बनाना है। उसके डाटा आपको सारा उपलब्ध रहेगा, सारे मान आपको उपलब्ध रहेंगे, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अनुसार आपको नहर बनाना है। दूसरा है आपका प्लान एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ट्यूबवेल विथ पंप हाउस। पंप हाउस का आपको ड्राइंग बनाना है विथ ट्यूबवेल, उसका क्रॉस सेक्शन और प्लान, जिसमें आपको डाटा नहीं दिया रहता है, पेपर पैटर्न के अनुसार आपको जो भी पेपर में देते हैं उसमें इसका डाटा, इसका कोई भी डाटा नहीं दिया रहेगा, सिर्फ आपको इतना ही लिखा रहेगा कि आपको एक पंप हाउस की ड्राइंग बनानी है विथ ट्यूबवेल पंप, ट्यूबवेल
विथ ट्यूबवेल आपको एक पंप हाउस की ड्राइंग बनानी है, जिसमें आपको दिया रहेगा प्लान और क्रॉस सेक्शन दोनों बनाना है कि ओनली सिर्फ क्रॉस सेक्शन बनाना है। तो यह तो हो गया आपके सिलेबस का। अब इसमें जो पेपर पैटर्न है, जो आपका पेपर पूछता है, इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 5 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करने रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 25-25 नंबर का होता है। अभी तक बीटी यूपी जो बोर्ड है उसका सिलेबस यही है अभी सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के लिए। और इसमें जो ट्रस और बिल्डिंग है, यह आपके 1 साल या 2 साल या 3 साल के अंतराल पे पूछता रहता है। जो आपको सेकेंड ईयर की ड्राइंग है, आप एक बार पढ़ के आ भी चुके हैं। उसके बाद जो यहाँ पर आप फाइनल ईयर में ड्राइंग पूछता है, वह आपका बीम पूछता है, कॉलम पूछता है, स्लैब पूछता है, रिटेनिंग वाल पूछता है। यह सारे जो भी ड्राइंग है, ये आपके या तो लगातार हर साल पूछेंगे। कुछ ड्राइंग है जैसे बीम कभी कभी लगातार पूछता है, फिर या एक साल के अंतराल पे या 2 साल के अंतराल पे पूछ देता है। कॉलम आपका कभी लगातार पूछता है, कभी 1 साल के अंतराल पे पूछ देता है। रिटेनिंग वाल आपका लगातार भी पूछता है, 1 साल के अंतराल पे भी पूछता है। और आपका जो आपके चैनल है, नहर है, यह आपका लगभग लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है। लगभग हर साल हो सकता है किसी एक साल ना आए, उसके अंतराल पर आए, लेकिन आता जरूर है। और आप लोग अब सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड पढ़ने के लिए तैयार रहें और हमारे पॉलिटेक्निक कैप्सूल चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सभी को बताएं कि पॉलिटेक्निक कैप्सूल चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड की क्लास शुरू हो चुकी है। और आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का यदि PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है पॉलिटेक्निक कैप्सूल, वहाँ पर जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आपको PDF चाहिए। धन्यवाद।